प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की फहरिस्त में शामिल पीएम मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा आगे निकल गए हैं। दरअसल ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले एक महीने में करीब 80 लाख लोगों ने देखा है। वहीं राहुल गांधी की एंगेजमेंट करीब 23 लाख की रही है। और अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2,77,00,000 लोगों ने देखा है, जबकि राहुल गांधी को देखने वाले व्यूअर्स की संख्या 58,23,000 पर ही सीमित रही है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके चेहते दिखाई दे रहे हैं। अपने विरोधियों और विपक्षियों को पछाड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर भी लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की फेहरिस्त में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर भी काफी पीछे छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहीं नहीं टिकते। 90.9 मिलियन फॉलोअर प्रधानमंत्री के ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर 48 मिलियन फॉलोअर्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इंस्टाग्राम पर भी 77.5 मिलियन फॉलोअर प्रधानमंत्री के हैं। जवाब दिया और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन धमाकेदार रहा। राज्य के मुख्यमंत्री ने सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के सारे हमलों का जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ से ठीक पहले अखिलेश यादव बोले, जिन्होंने विकास, कृषि क्षेत्र और सांडों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, जिनका योगी आदित्यनाथ ने बारी बारी से जवाब भी दिया और अखिलेश यादव पर तंज भी कसा था। उन्होंने इशारों इशारों में परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव पर चुटकी ली। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदि हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने शायरी भी सुनाई। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया, जिसने अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी का सपना तोड़कर रख दिया था और योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही, महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। वहीं अपने भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह की खबरों का खुलकर जिक्र किया और अखिलेश के सामने ही शिवपाल यादव पर तंज कस दिया, क्योंकि शिवपाल यादव ने अखिलेश से नाराज होकर अलग पार्टी बना ली थी। वो अलग बात है कि बाद में वो पार्टी में वापस आ गए, लेकिन इस दौरान उनके और अखिलेश के बीच अनबन की खबरें आने का सिलसिला नहीं थमा। योगी ने अपने भाषण में उसी ओर इशारा किया। शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत शान होती है, आपके साथ अन्याय हुआ है हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं।